गुड मॉर्निंग डियर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, हेयर अगेन वी आर टुगेदर टू कंडक्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस। एज इन आवर प्रीवियस लॉकडाउन क्लासेस, वी आर गोइंग टू डू द सेम काइंड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। वी हैव टू लिसन द वीडियो केयरफुल्ली, देन डू द डिफरेंट एक्टिविटीज गिवन टू यू थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड दैट शुड बी सबमिटेड and it will be checked properly. So dear student, you should be sincere, and while listening the video you have to open your books and you should go through the paragraphs line by line. That is the way how you will learn more in a more better way. Now today let us discuss about the chapter the chameleon. The chameleon ka matlab hota hai girgit. हम लोग गिरगिट को कैमेलियन कहते हैं। कैमेलियन का एक गुण होता है उस पर, इट हैज़ द वन एबिलिटी। क्या एबिलिटी होता है कि वो कलर चेंज करता है। ऐसे ही संसार में इंसान, जो इंसान होता है वो क्षणिक समय अनुसार रंग बदलता है। वो लोग क्या करता है, समय अनुसार रंग बदलता है, अपॉर्चुनिटी देखकर रंग बदलता है, धोखा देता है बाय चेंजिंग देयर बिहेवियर, बाय चेंजिंग देयर प्रॉमिसेस। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू रीड ऑल दिस थिंग अबाउट सर्टेन पर्सन इन दिस स्टोरी। वी विल हैव अ रीडिंग प्रोसेस लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी at the book, and book there is a warm up section, warm up lesson ka warm up karna hai pehle, so look at it very carefully. Warm up: chameleon is a reptile which changes its color quite often. In life we often refer to people who change their nature quite often for selfish reason as chameleons. अब यहाँ कैमेलियन एक रेप्टाइल है। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाला जीव जो ज़मीन में रेंगता है। सो हम लोगों का लाइफ में भी इंसान, इट इज़ ऑल्सो रिफर टू इंसान, पीपल को भी यहाँ रिफ़र कर रहा है कैमेलियन को दिखा के कि वो लोग अपना नेचर कैसे चेंज करता है इन अ सेल्फिश प्रपोज। सेल्फिश प्रपोज के कारण वो लोग चेंज कैसा होता है टाइम टू टाइम, इसी बारे में ये चैप्टर है। नाउ सी देयर, मैच द एनिमल्स टू देयर क्वालिटीज दे आर नोन फॉर। यहाँ पे एनिमल्स का नाम दिया गया है एंड क्वालिटीज़ क्या है, गुण उन लोगों में, खूबी, वो उसको मैच करना है। मैच तो मैंने कर दिया है, ये आप टू राइट इट इन योर कॉपी, और एनिमल्स का नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। नाउ एनिमल एलिफेंट, एलिफेंट वाइज होता है उसका क्वालिटी। आउल हैज़ अ टेरिफिक मेमोरी ऑफ थिंग्स। फॉक्स स्लाई धूर्त बेईमान होता है। एंट्स हार्ड वर्किंग होता है, बहुत हार्ड वर्क मेहनती होता है एंट्स। डोव लव्स पीस, डोव्स क्या करता है, शांत वातावरण पसंद करता है। नाउ लेट अस मूव टू आवर रीडिंग सेक्शन। Now here is a short story, let us read. The police superintendent Achum Yellow, pronunciation yaad karna hai aap logo ko, Achum Yellow was walking across the market square wearing a new overcoat and carrying a parcel in his hand. Ab ye superintendent ka matlab hota hai police ka uchcha adhikari, jo high officer kehta hai, wo उसका नाम था अचुम यल्लव। वो मार्केट के एरिया में घूम रहा था, ही वॉज वॉकिंग, था वो चल रहा था मार्केट स्क्वायर में, वेयरिंग अ न्यू ओवरकोट एंड कैरिंग अ पार्सल इन हिज हैंड। वो नया ओवरकोट लगाया हुआ था और उसके हाथ में क्या था, पार्सल था। अ रेड हेयर्ड पुलिसमैन फॉलोड हिम विद अ बैग फुल ऑफ गूसबेरीज He had taken perforce from a thief.
There was silence all around and there wasn't a soul in the square. Now यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सुपरिंटेंडेंट जो ओचुम यालप के पीछे एक पुलिस ऑफिसर पुलिस मैन पीछे पीछे आ रहा था, उसके हाथ में बैग था, बैग के अंदर में गुसबेरीज था। गुसबेरीज का मतलब होता है खट्टा फल, हम लोग खट्टा फल कहते हैं उसको, छोटा सा सावर, उसका टेस्ट क्या होता है सावर होता है, वो फल उसने चोर से ज़बरदस्ती छीना गया हुआ जो फल गुसबेरीज वो लेके आ रहा था। देर वॉज़ अ साइलेंस ऑल अराउंड एंड देर वॉज़ सोल इन द स्क्वायर। वहाँ पे एकदम साइलेंस था इन्वायरमेंट मार्केट का, एकदम साइलेंट था। एंड देर वॉज़ अ सोल इन द स्क्वायर मतलब देर वॉज़ अ सोल का मतलब होता है कोई भी वहाँ पे व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज़ टोटली अ साइलेंट इन्वायरमेंट इन द मार्केट स्क्वायर। नाउ द ओपन डोर्स ऑफ द शॉप्स एंड taverns looked out upon God's world unhappily like hungry mouths. There wasn't even a beggar near them. अब यहाँ पे बता रहा है कि दुकान के अंदर से, taverns का मतलब होता है दुकान जहाँ पे खाना और पीना allowed है, that means मदिरालय अथवा शराब खाना, वहाँ अंदर से आदमी इस तरीके से बाहर देख रहा था कि they were hungry for years, hungry एकदम आश्चर्यचकित अथवा उन लोग भूखा, एक जो तो उन लोगों का फेस था वो एक्सप्रेशन था भूखा जैसा। सो वो लोग बाहर देख रहा था और स्ट्रीट में इवन अ बेगर भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिंगल बेगर भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। अचम यालव सडनली हर्ड समवन शाउटिंग सो यू बाइट यू हॉरिबल बीस्ट। यहाँ जो सुपरिंटेंडेंट था अचम यालव, उसने सुना, आवाज़ आया कि कोई वहाँ पे शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो चिल्ला क्या रहा था, सो यू बाइट यू हॉरिबल बीस्ट। हॉरिबल बीस्ट का मतलब होता है भयानक जानवर। आज भयानक जानवर किसको कह रहा है वहाँ देखते हैं, बॉयज़ डोंट लेट हिम गो, बाइटिंग इज़ नॉट अलाउड दिस डेज, होल्ड हिम। नाउ वो बोल रहा था दूसरा लड़की लोग को कि उसको जाने मत दो, ये बाइटिंग करना अलाउ नहीं है यहाँ मार्केट प्लेस में, ऐसा स्ट्रे डॉग्स स्ट्रे एनिमल्स जो उसको काटा हुआ था शायद वो आह भी कर रहा है, उसको पेन जो आ रहा है मुँह से, जो पेनफुल वर्ड्स आ रहा है, इंटरजेक्शन वर्ड्स आ रहा है वो है आह। नाउ लेट अस मूव अनदर पार्ट। There was the sound of dog yelping. Achum Yalav looked towards the place from where the sound had come and saw a dog hopping on three legs and looked about it run out of Pichugin's timber yard. Ab yahan pe एक क्राउड ऑफ पीपल है, उसके अंदर में मांस में एक डॉग चिल्ला रहा है, वो पेन से दर्द के कारण वो भौंक रहा है, उसके आवाज़ आ रहा है वो। सो अचम यालव ने भी इधर उधर देखा और वो क्राउड के तरफ से जो साउंड आ रहा था वहाँ उस दिशा तरफ अचम यालव ने देखना शुरू किया, वहाँ पे उसका दृश्य चला गया। नाउ The sound had come and saw a dog hopping on three legs and looking about it run out of the Pichugin's timber yard. अब यहाँ पे आदमी बोल रहा है, कुत्ते बेचारा वो बैठा हुआ है, ओके विथ इज थ्री लेग्स शायद एक में मारा हुआ होगा, चोट लगा हुआ होगा, सो ही इज़ सिटिंग एंड ही वो बोल रहा था, वहाँ का आदमी बोल रहा था कि Pichugin's के timber yard का मतलब होता है जहाँ पे यार्ड का मतलब होता है प्रांगण एरिया, काट रखने का एरिया अथवा लकड़ी रखने का एरिया, वहाँ से भाग जाओ ऐसे करके आवाज़ें आ रहा था। अ मैन इन स्टार्च्ड कॉटन शर्ट विथ हिज वेस्ट कोट अनबटन
वॉज चेजिंग इट। अब यहाँ पे एक आदमी का यहाँ आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट्स कॉटन शर्ट, मतलब वाइट कॉटन शर्ट, ओके वाइट कॉटन शर्ट लगाया हुआ आदमी, जिसका वेस्ट कोट, वेस्ट कोट तो आप लोगों को मालूम है, जिसका टांक खुला हुआ था, ही वॉज चेजिंग द एनिमल। ही रैन आफ्टर इट एंड थ्रोइंग हिज बॉडी फॉरवर्ड फेल डाउन एंड कॉट होल्ड ऑफ द डॉग बाई इट्स हिंड लेग। अब यहाँ पे ये पीछे दौड़ते दौड़ते ये अपने बॉडी को, जो ये भागने वाला आदमी, उसने डॉग को पकड़ लिया पीछे पीछे वाला लेग में, ये आदमी ने उस डॉग को पकड़ लिया, हिंड लेग मतलब पीछे जो आगे का नहीं, फोर लेग्स नहीं, हिंड लेग्स पीछे वाला, उस लेग को वो पकड़ लिया वो आदमी ने। Once more there was the sound of yelping and a shout of don't let go. Sleepy shopkeepers looked out from the shops and soon a crowd gathered round the timber yard. अब ये डॉग के पीछे भाग रहा था इसीलिए इतना जोर से हल्ला हो रहा था। जब ये आदमी ने उस डॉग को पकड़ लिया पीछे से, पीछे वाला उसका लेग को पकड़ लिया, उस टाइम शॉपकीपर जो था दुकान के अंदर, तो वो जो उन लोगों का, उन लोग स्लीपी मतलब देवर लुकिंग जस्ट लाइक देवर इन द मिड डे, आई थिंक देवर फीलिंग लेजी, ओके देवर स्लीपी, दिस टाइप ऑफ शॉपकीपर्स देवर ऑटोमेटिकली दे गट एनर्जी एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग डोंट लेट द डॉग गो। सबके एकदम शाउट करना शुरू कर दिया वो शॉप से, दुकान के अंदर से शॉपकीपर्स, और वहाँ पे क्या हुआ, क्राउड गैदर हो गया। इट लुक्स लाइक अ फाइट योर ऑनर, सेड द पुलिसमैन। अब ये जो हल्ला था, जो ये सुन रहा था सुपरिंटेंडेंट एंड इज पुलिसमैन, जो उसका सहायक ये सुन रहा था, सुपरिंटेंडेंट एंड इज सहायक, उसी टाइम वो सहायक ने, पुलिसमैन ने कहा योर ऑनर, यह आदरणीय, एक ऑनर, योर ऑनर का मतलब होता है आदर देते हुए बोलना, सम्मान करते हुए बोलना। उसने कहा कि फाइट चल रहा है उस क्राउड में, ऐसे करके वो सुपरिंटेंडेंट को मैसेज दिया, इन्फॉर्मेशन दिया। अब क्या होता है देखते हैं। अचुम यालव मेड अ हाफ टर्न टू द लेफ्ट एंड स्ट्रोड टूवर्ड्स द क्राउड। अब अचुम यालव जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था, वहाँ से उसने टर्न ओवर किया और जहाँ क्राउड था उस तरफ वो अपना जो स्टेप है, लेग्स, अपने लेग्स पैदल जो पैर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ही सॉ द मैन इन एन अनबटन्ड वेस्ट कोट स्टैंडिंग क्लोज बाय द गेट ऑफ द टिम्बर यार्ड होल्डिंग द राइट हैंड इन द ईयर एंड शोइंग अ ब्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड। नाउ ही सॉ द मैन इन एन अनबटन्ड वेस्ट कोट स्टैंडिंग क्लोज बाय द गेट ऑफ द टिम्बर यार्ड। टिम्बर यार्ड के गेट पे एक आदमी खड़ा हुआ था, उसके एक हाथ होल्डिंग हिज राइट हैंड इन द ईयर, उसका राइट हैंड हवा में ऊपर में ऊपर उसने उठाया था, एंड शोइंग अ ब्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड। और जो क्राउड ऑफ पीपल था वहाँ पे, आदमी का तो झुंड था, वहाँ पे उसने दिखा रहा था अपना जो रक्त से भरा हुआ आंवला को, फिंगर को। It was quite clear that the man was looking for revenge. अब वो ये क्लियर था कि वो आदमी अब रिवेंज, बदला लेने के लिए सोच रहा था, ये पता चलता था। अचुम यालव recognized him to be Ryukin the goldsmith. Ryukin यानी Ryukin, प्रोनाउंसिएशन देखना है, ये एक goldsmith था और सुपरिंटेंडेंट ने, अचुम यालव ने उसको पहचान लिया। गोल्डस्मिथ का मतलब समझते हैं आप लोग, सुनार। मीनवाइल द कल्प्रिट हु हैड कॉज द ट्रबल अ वाइट बोर्जोई पॉपी विद अ शार्प मजल एंड अ येलो पैच ऑन इट्स बैक वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विथ हिज फोर पाउज स्ट्रेच आउट इन द मिडल ऑफ द क्राउड। नाउ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अथवा ये जो इन्वेस्टिगेशन करने आया था ये अचुम यालव, सुपरिंटेंडेंट पुलिस एंड हिज कलीग असिस्टेंट, तो उस टाइम उसने Ryukin को देख लिया जो गोल्डस्मिथ था, जो जिसके आंवला से रक्त बह रहा था। और कल्प्रिट दोषी, जो अपराधी है,
अपराधी एक कुत्ता था, ब्रोजोई, इट्स अ ब्रीड ऑफ डॉग, स्पेशल ब्रीड, इट इज़ स्पेशली अ रशियन डॉग जो ब्रोजी ब्रीड का था। वो क्या कर रहा था, वो यही कुत्ता वहाँ पे ट्रबल कर रहा था सब क्राउड को। मजल का मतलब होता है थूथरा, कहता है नाम लोग थूतना थूतना, जो नाक और माउथ दोनों आ जाता है मजल में। एंड अ येलो पैच ऑन इट्स बैक वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विथ इट्स फोर पाउज स्ट्रेच आउट इन द मिडल ऑफ द क्राउड। अब क्राउड के झुंड के जो आदमी लोग का जो क्राउड था उसके बीच में एक कुत्ता था जो ब्रोजोई ब्रीड का था। वो अपने सब फोर पाउज, अपना चारों लेग फिजा के स्ट्रेच करके वहाँ पे बैठा हुआ था। इट वॉज ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, देर वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ माइजरी एंड टेरर इन इट्स टेयरफुल आइज। अब ये बेचारा कुत्ता जो था बहुत घबराया हुआ था और वो कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग हो रहा था उसका शरीर, और उसका जो एक्सप्रेशन था चेहरे का, इट वॉज़ वेरी माइजरी। माइजरी का मतलब होता है परेशान दिख रहा था वो कुत्ता, बिकॉज ही वॉज डिस्टर्ब बाय द क्राउड ऑफ पीपल, सो इज आँख भी बहुत रसीला हो गया था, टीयरफुल आइज, उसका आँख से आंसू भी आने लगा था। सो दिस वॉज द इंसिडेंट गोइंग ऑन इन द मार्केट स्क्वायर व्हेन सुपरिंटेंडेंट इन्वेस्टिगेटेड इट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल रीड अप टू हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू इट इन पार्ट बी। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू बी सिंसियर इन योर स्टडी एंड ट्राई टू राइट ऑल द underline words in a copy and try to learn the spellings, try to learn the pronunciation. That is what you have to learn from today's class. So now let us stop here, dear student. We'll be meeting in the next class. Till then, have a nice time and be careful, stay inside your home and be safe. Thank you very much.